अंदर देखो, मम्मी जी बाहर तो बर्फ पड़ गई है, बहुत बर्फ पड़ी गई है। देखो क्या, मैं खाना बना रही थी तो बर्फ वहाँ से आके यहाँ मेरे चूल्हे पे आ रही थी। यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे देखो, ये देखो यार, खुशी। तो ये अभी जो व्यू आ रहा है ना सामने, क्या ही बोले, बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो, इस तरफ देख सकते हो, वाह, अभी तक बर्फ जो है गिरी रही है लगातार। देखो आए, बर्फ दो दो फीट गिर चुकी है, और इस बर्फ को सबसे ना आता है तो जब मौसम खराब होता है फिर से बर्फ आ जाती है, तो टूटने का भी खतरा रहता है, क्योंकि खतरनाक मुकाबला चुरा की इस पावन धरती पर, और इस सुनहरे सुनहरे पल में ये देखिए, उठा दिया है रिका पहलवान को, फिर से फेंक दिया है जबरदस्त। ये देखिए, ये रोमन सिंह की आत्मा में घुस चुका है। तो भाई देखिए, गांव में गलियों में ऐसे नजारे इतनी बर्फ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मी सुंदर खन्ना एंड यू आर वॉचिंग गाइस सुंदर खन्ना ब्लॉग्स। यार कितनी खुशी हो रही है यार आपको बताते हुए। देखो आई इधर, देखो आप स्नोफॉल, आज सुबह सुबह जैसे जैसे जागे देखो भाई, तो शाम को बारिश लगी थी और अभी बर्फ पड़ चुकी है यार। देखो ये देखो नजारे भाई, ये देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे देखो, ये देखो यार कितनी खुशी, स्नोफॉल, फर्स्ट स्नोफॉल, वाह, स्लिप बज रहा है यार। देखो भाई नजारे देखो, यहाँ चिड़िया देखो, चिड़िया चिड़िया ये देखो, चिड़िया ये देखो, क्या ही बोले, बस चार्जिंग कभी भी ख़त्म हो सकती है, लाइट चली गई है, बाकी स्नोफॉल तो काफ़ी तगड़ा हो रहा है, अभी कल तक ऐसे ही रहने वाला है, अभी सुबह सुबह तक इतना कर हो चुका है। ये देखो, और बढ़िया चीज़ दिखाऊं, यहाँ देखो भाई छत पे बर्फ जम चुकी है, वैसे ही पानी जम चुका है, ये देखो भाई व्यू देखो, पूरे के पूरे गांव में वाइट 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 बर्फ की चादर चढ़ रही है, और अभी भी ठंडे का नाम नहीं ले रही। जंगल दिखाता हूँ आपको यहाँ से, ये देखो जंगल में देखो, देखो देखो भाई यहाँ देखो, हाय बोल हाय। ओ अंदर देखो, मम्मी जी बाहर तो बर्फ पड़ गई है भाई। हेलो राधे राधे जी, राधे राधे, बहुत बर्फ पड़ी गई है। देखो यहाँ मैं खाना बना रही थी तो बर्फ वहाँ से आके यहाँ मेरे चूल्हे पे आ रही थी, मेरे आटे में, खिड़की से यहाँ से दिखाते हैं बाहर आपको, फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज क्या बन रहा है, आज एंड बड़ी है और थोड़ी सी कढ़ी बना रहे हैं। अच्छा, वो भी यार बाहर तो बर्फ गिरी है बहुत ज्यादा, और लाइट तो चली गई है, और अभी यहीं पे बैठेंगे नीचे में, क्योंकि बाहर तो काफी ज्यादा ठंड है। देखो थोड़ी देर बाहर गए और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड है फिलहाल, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि बाहर अभी तक लगातार बर्फ़ पड़ रही है, और देखने की थोड़ी देर में कितनी इम्प्रूवमेंट होती है, कितना कर बढ़ता है, कितना कर हो जाता है। देखो जी सामने देखो यार व्यू देखो आप, सामने जंगल का व्यू दिखाते हैं आपको भाई साहब, देखो एक बार व्यू चेक करो यार, अल्टीमेट आँखें लग जा रही हैं इस व्यू को देखते हुए, नीचे तक हो एंड तक। ये क्या बन रहा है? ये मैं आटा गूंद रही हूँ, तेरे साथे के लड्डू बनाऊंगी, आज बाहर बहुत सर्दी है। ओ लड्डू, इतनी ठंड में बाहर सर्दी है, और फिर दाल भी बनाएंगे तो दाल के साथ, अब चावल इतनी ठंड में चावल कौन खाएगा, तो लड्डू बना देते हैं। बाहर बर्फ पड़ रही है और अंदर लड्डू? हाँ जी बिल्कुल, इधर लड्डू बनेंगे। देखो आटा गूंदा जा रहा है और इसके बाद फिर लड्डू बनाए जाएंगे यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, दो दो पजामे लगाए हैं, दो दो जैकेट डाली हैं, हुड डाली है, स्वेटर नहीं डाली है। तो देखिए भाई आज डंगर भी बाहर ही पानी पीने के लिए आए हुए हैं, और आज यहीं पे पानी पियेंगे ये, और आज अंदर ही चले जाएंगे क्योंकि बाहर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। यहाँ पे देखो बन चुके हैं लड्डू, देखो तो गाइस यहाँ लड्डू, गेहूँ का लड्डू देखो, एकदम फुसकी फुसकी फुसकी, और राजमा की दाल। हमने खाना वगैरह खा लिया है, लेकिन अभी तक बर्फ जो है गिरी रही है लगातार। देखो भाई, द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो
सो गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए भाई अभी जो व्यू आ रहा है ना सामने, क्या ही बोले, बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो, इस तरफ देख सकते हो, वाह यहाँ देखो भाई, आज तो जन्नत के दर्शन सुबह सुबह देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखो भाई चारों तरफ देखो, सभी सारा का सारा जो भी बर्फ है यहाँ पर दिख रही है आपको, सभी को कीड़ के कीड़ पर लाद करके फिर उस साइड पहुँचाना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोकेशन देखिए कैसी है, यहाँ दिखाइए अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी छत है, वहाँ पर एक और घर है, इस साइड भी घर है, इस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर है, ऊपर वाली तरफ भी घर है और इस तरफ भी घर है, तो चारों तरफ घर ही घर हैं, तो बीच में ये घर बना हुआ है, तो जब बर्फ़ पड़ जाती तो फिर इधर वाले लोग हटा लेते हैं, उसके बाद ही हमें हटाने का मौका मिलता है। इसको बोलते हैं जी क्रोनाट, लकड़ी से बना हुआ है एंड काफ़ी सिल्की है, स्मूथ है, रंधे से इसको प्लेन किया हुआ है। आप सभी बर्फ प्रेमियों को काफ़ी ज़्यादा दुख लग रहा होगा कि भाई इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं बर्फ़ को, बट क्या करें, यहाँ पर बर्फ़ दो दो फीट गिर चुकी है और इस बर्फ़ को अगर छत से ना हटाएं तो जब मौसम ख़राब होता है फिर से बर्फ़ आ जाती है, तो फिर छत टूटने का भी खतरा रहता है, क्योंकि मिट्टी की छत है, तो दो फीट तो पड़ चुकी है, देख लो सामने साइज देख लो, लगभग डेढ़ दो फीट पड़ चुकी है और इसके ऊपर और पड़ जाएगी तो फिर तो दैट्स वाई हम इसको उठा उठा के फेंक रहे हैं। बाकी देखो नज़ारा, अभी थोड़ी देर बाद हम जाने वाले हैं जंगल में, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों अभी गांव में देखो गलियां भर चुकी हैं बर्फ़ से, हाँ देखो ऊपर छत से कभी भी आ सकती है। तो गाइस अभी एक छत पे बर्फ़ हटा दी है और यहाँ पे जो हमारा ये वाला घर है इसकी छत पे भी हटाना है, बट अभी ऐसा है कि थक लग गई है, तो यहाँ से भी व्यू दिखा देते हैं आपको गाँव में, यहाँ पे बंगले हैं, वहाँ पे देखो इस तरह से छतों पे बर्फ़ टिकी हुई है और व्यू देखो यार, इस व्यू के दीवाने, देखो भाई नज़ारे, इस तरफ देखो, यहाँ देखो, अभी जाने वाले हैं हम उस तरफ और जंगल में दिखाएंगे आपको कैसा क्या सीन रहता है। बहुत बड़ी राहत जो चुरा के लोगों के लिए और पहाड़ी में पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए मिली है, क्योंकि कम से कम चार महीने के बाद यहाँ पे बारिश और बर्फबारी हुई है, तो आप देख सकते हैं कितना आनंदमय माहौल यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है देखने में, तो सफ़ेद चादर बर्फ की पड़ गई है जी, बहुत ही आनंद। हाँ थोड़ी सी समस्या है जैसे पानी की, बिजली की, लेकिन उनको थोड़ा इग्नोर। अभी देखो हम कहाँ पे हैं, इस तरफ देखो यार, चुरा वैली देखो, ये है ब्यूटी ऑफ द नेचर, ठीक देखो इस तरफ देखो, ब्यूटी देखो, ये पूरा घना जंगल है, यहाँ पे भालू मिलेगा आपको, देखो भाई ये है रियल तो आज हमारे चुरा के दो जाने माने पहलवान हाथ मिलाते हुए, ये जो राइट हैंड साइड में हमारे चशा पहलवान ये खड़े हाथ करते हुए, और लेफ्ट साइड में हमारे रिक्का पहलवान ये दोनों हाथ खड़े करते हुए और हाथ मिलाते हुए, बहुत ही ज़बरदस्त चुरा की पावन धरती पर ये ज़बरदस्त कुश्ती का मुकाबला होने जा रहा है। ये देखिए जोर आजमाइश होने हो रही है और इस मैदान की खूबसूरती देखिए, उठा दिया शशा पहलवान ने रिक्का पहलवान को और पटक दिया है, लेकिन रिक्का पहलवान भी कोई काफ़ी जोर लगाते हुए आजमाइश करते हुए, लेकिन कद काठी में थोड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला देते हुए, यहाँ पर पीठ लगती हुई एक ही झटके में, लेकिन यहाँ पर उलट दिया और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, ये देखिए इस नज़ारों में, ये नज़ारे देखिए साइड के नज़ारे देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये रोमन रेंस की आत्मा में घुस चुका है, ये देखिए जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर, उठा दिया कहाँ पटकते हैं और यहीं पे पटक दिया, और कुत्ता भी यहाँ पर पूरा नज़ारा लेता हुआ, ये देखिए क्या टेक्निक यहाँ पर अपनाते हुए दोनों पहलवान, ये देखिए ये उठा दिया देख रही, और ये यहाँ पर चार रनों के लिए घुमा दिया है, और जबरदस्त यहाँ पर कुश्ती चलती हुई कम नहीं है, पुनः उठे हैं और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला उठा दिया है शशा पहलवान को, और ये पटक दिया है, ये देखिए अभी तक यहाँ पर रेफरी हमारे हगन गए हैं, ऐसे ही आएंगे तो फैसला करेंगे, तब तक इनको कुश्ती कंटिन्यू करनी होगी, और ये इस तरह की वाह व्हाट अ रेसलिंग इज गोइंग ऑन, खतरनाक मुकाबला चुरा की इस पावन धरती पर और इस सुनहरे पल में, ये देखिए उठा दिया है
उठा दिया है रिक्का पहलवान को, फिर से फेंक दिया है। जबरदस्त यहाँ पर इस तरह की कुश्ती आपको WWE में देखने को मिलती है। ये देखिए उठा दिया है, आप देखते हैं ये पटक दिया है चचा पहलवान को, और यहाँ पर लगभग पीठ लगती हुई। और ये नज़ारे आप देखिए, इस तरह के नज़ारे आपको नहीं मिलेंगे। और ये इस तरह के सुनहरे अवसर आपको, और इस तरह के नज़ारे, और इस तरह की जो है अलग अलग तरह की जो आपको तकनीक यहाँ पे कुश्ती में इस्तेमाल की जा रही है देखने को मिल रही है। इस तरह की कुश्ती आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ये देखो उठा दिया है फिर से रिक्का पहलवान को, कंधे पे उठा दिया है, और रिक्का पहलवान यहाँ पे फेंक दिया गया है रिक्का पहलवान को। और मैं वीडियोग्राफर भी चारों तरफ घूमता हुआ यहाँ पर, दोनों पहलवान ठंडे पड़ चुके हैं, दोनों पहलवान ठंडे पड़ते हुए यहाँ पर। और एक बार मैं आपको सीनरी दिखाता हूँ, ये देखिए इस सीनरी के बीच में इस तरह की कुश्ती होना बहुत ही रेयर वीडियो है। ये ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग यहाँ पे बनने वाला है, और अगर इस ब्लॉग को लाइक कर किया जाता है तो इस तरह की काफ़ी सारे ब्लॉग्स जो आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। लेकिन अपना प्यार बनाए रखिए, सुरेंद्र खन्ना ब्लॉग्स। गाइस कुश्ती वगैरह करके आ चुके हैं वापस, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इन्जॉयमेंट, पर ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकते क्योंकि ठंड भी होती है। ऐसे भी तो धूप लगी है, बट आगे चला है रिक्का पहलवान। चलिए ये कुत्ता है रॉकी। तो भाई देखिए गांव में गलियों में ऐसे नज़ारे, इतनी बर्फ छतों से हटा करके रास्ते में देखो, तो बर्फ हटाने का काम तो ऐसे ही चलता रहता है। अब ये एक छत में हो गया, अब दूसरी छत पे जा रहे हैं। तो भाई अभी बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ यहाँ पे, बार बार स्लिप हो रहा था। देखो पैर देखो मेरे, और देखो यहाँ से व्यू, ये देखो जी यहाँ पे आराम से धूप सेकेंगे जब ऊपर आ जाएंगे। बढ़िया यहाँ पे देखो व्यू, देखो अभी ऊपर वाली छत पे भी बर्फ हटा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ। हाय 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 हाय, नज़ारे ही नज़ारे हैं। बट अगर बर्फ़ खाओगे आप तो प्यास लगेगी, मैं बर्फ़ खा रहा हूँ तो प्यास बढ़ती जा रही है। बुरा हाल है, अब रोने जैसी हालत है अब तो। अच्छा, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है क्या? पीठ में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द, बुरा हाल है। ओके क्या बोल सकते हैं, देखो भाई नज़ारे यहाँ से, लगभग खत्म ही है अब।